Hi everyone, this is Preeksha and welcome to my YouTube channel. And I'm so excited to start this journey. जिसका मैं बचपन से सोचती थी कि मेरे को अपना YouTube channel शुरू करना है, करना है, करना है, करना है. And finally we are here. And thank you so much for clicking on the video and thank you for coming here. Let me tell you how this video is going to be different from the other CUET videos which are available on YouTube. I'm going to tell you about the minute details. Yeah, मैंने ना अपना experience Supergrads के channel पे भी share किया था. वहाँ पे मेरे पास बहुत सारे comments आए, मेरे पास Instagram पे personal DMs आए कि दीन हमें ना ये सब नहीं जानना कि मतलब हमें बताया कि books कौन सी ये करना है, वो करना है, sample papers करना है, वो सब ठीक है. अंदर की बात बताओ, like what was your routine? How did you manage? कितना पढ़ा, कब पढ़ा, कैसे सब कुछ organize किया, कैसे time table अपना manage किया, कैसे timely divide किया, कौन subject को कितना देना, like they want to know अंदर वाली बातें. So okay, let's go. Here I'm sharing my personal, very personal CUET experience so that you can learn from it, you can take notes from it, and I really hope it help you and hope to see you here in Delhi University this year. Okay, let's go. Okay, so now अब हम एकदम सीधी बात करेंगे, मैं बकवास नहीं करूंगी. Okay, so the tip number one is fix your sleeping schedule. ये टिप ना मतलब हर घर की कहानी है, मम्मा पापा हर बार बोलते रहते हैं बट हम करते नहीं हैं. गाइज प्लीज कर लो, आई गेस सीवीटी में जस्ट 1.5 months बचा है एंड ट्रस्ट मी इट वर्क्स. मैंने कभी नहीं किया बट मैंने 28 दिन किया. मैं ऐसे सोचती हूँ कि जब मैं ये सिर पे पढ़ता मैं तभी काम करती हूँ, तो लाइक बोर्ड से पहले भी मैं करती थी. जैसे एग्जाम होता तो मैं थोड़ा अपने आप थोड़ा मैनेज कर लेती, पूरे साल चाहे नहीं कर रही बट एग्जाम से पहले तो मैं करती ही थी बिकॉज उस टाइम कोई ऑप्शन नहीं होता है, करना पड़ता है, तुम्हें भी करना पड़ेगा, करो प्लीज, इट इज अ गेम चेंजर. एंड मैं ऐसी बच्ची थी कि मैं बहुत सोती थी, बहुत सोती थी. इट मीन्स कि अगर मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही है, हैवी हो रहा है, आई एम नॉट डिस्ट्रैक्टिंग माई सेल्फ एंड मैं कुछ और काम में इन्वॉल्व नहीं हो रही हूँ, मैं सो जा रही हूँ कि कोई बात नहीं, ऐसे अच्छा अपने माइंड बॉडी को रेस्ट दे दो, चल चल करो, थोड़ा सा नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, सो जाओ, रेस्ट करो ताकि जब उठो तो वापस फ्रेश माइंड से उठो, फिर से नए थॉट्स आए कि ठीक है करते हैं. ओके, सो द टिप नंबर टू इज डिवाइड एंड मैनेज योर टाइम अकॉर्डिंगली. जैसे तुम्हारी डेट्स आ जाए एंड इवन इफ अगर डेट सीयूटी की अभी तक नहीं आई है लाइक सब्जेक्ट वाइज, देन ऑल्सो जस्ट यू नो ऑर्गेनाइज योर सेल्फ कि अगर मेरे पास ये सब्जेक्ट है, सपोज मेरा एग्जाम्पल, मेरा एग्जाम मैथ्स के लिए आई हैड 21 days एंड बाकी सब्जेक्ट्स के आई हैड 7 days. या सो बिफोर मैथ्स एग्जाम अब मैंने उन 21 days का ऐसे डिवाइड किया कि 7 days तो मैं आगे वाले सब्जेक्ट्स करूँगी बिकॉज वो सब्जेक्ट्स बैक टू बैक थे, मेरे पास उनके बीच में गैप नहीं था, तो 7 days मैं उनको लिए प्रिपेयर करूँगी एंड साइड बाई साइड मैथ्स करती रहूँगी एंड बाकी के 14 days आई प्रिपेयर फॉर मैथ्स, एकदम कम्प्लीटली मैथ्स, बिकॉज मैथ्स वॉज अ टफ सब्जेक्ट, इट वॉज रियली हार्ड फॉर मी. इंग्लिश के लिए ना ऐसे कर सकते हो, मैंने ये किया था कि इंग्लिश में जो सीयूटी का इंग्लिश है इज लाइक वेरी बेसिक, वेरी ग्रामर वाली चीज़ें हैं, एनोनिम्स, सिनोनिम्स, एक्रोनिम्स, आइडियम्स, वो सब चीज़ें हैं जो कि बहुत यू नो अपन डे टू डे लाइफ में अपन सीख सकते हैं, इतना वो नहीं होता कि अपन, और वो ऐसी चीज़ भी नहीं है कि हम एक दिन लेके बैठे हैं और सारे ये सारे पढ़ लें, इट इज़ नॉट पॉसिबल. सो मैंने उन चीज़ों को डिवाइड किया कि ओके इतने एनोनिम्स मुझे पढ़ने हैं, इतने सिनोनिम्स करने हैं, इतने ये करने हैं, एंड मैं डेज में डिवाइड करी कि सपोज डे वन पे मेरे को मैथ्स भी करनी है एंड मैंने इंग्लिश के मुझे आज 50 एनोनिम्स तो याद करने ही करने हैं, आई यूज टू राइट देम एंड ये बहुत हेल्प करा. मेरी एक लिटरली एक कॉपी बन चुकी है इंग्लिश की जो मुझे आने वाले टाइम में कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स भी हेल्प करेगा बिकॉज यार ये वर्ड्स तो बेसिकली सेम ही रहते हैं आगे भी, तो मेरे पास ऐसे कुछ 200-300 कुछ ऐसे वर्ड्स आ चुके हैं मेरी कॉपी के अंदर जिसके अंदर मैं बेसिक मेरे पास ग्रामर वाला नॉलेज है. सो उस टाइम यूज टू राइट एंड लर्न, जैसे कि आज हम 50 एनोनिम्स करें तो अब मैं नेक्स्ट जब करूंगी तो पहले मैं 50 रिवाइज करूंगी एंड देन नेक्स्ट 50 आई यूज टू राइट देम एंड लर्न देम. दैट इज फॉर इंग्लिश. इंग्लिश तो ऐसे ही करना पड़ेगा एंड ऐसे हो जाएगा, कोई टेंशन मत लो. इंग्लिश के लिए मैंने सोचा था कि पता नहीं क्या कुछ आ जाएगा बट इट वॉज वेरी इजी इंग्लिश का पेपर. इस टाइम आई कैन नॉट से कैसा होगा बट कर लोगे इंग्लिश के लिए, डोंट वरी. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड द टिप नंबर 3 इज डिवाइड योर सिलेबस अकॉर्डिंगली. लाइक अब उसको ढंग से देखो, समझो, थोड़ा टाइम बताओ अपने सिलेबस को देख के. बहुत लोग मिस्टेक करते हैं एंड दिस इज अ टिप फ्रॉम माय मॉम साइड एंड लाइक कि सिलेबस ना एक तो बहुत सारे बच्चे ना उसी से देखते रहते हैं ऑनलाइन ही. अरे नहीं, उसको नोट डाउन करो, पेन पेपर पे उसको लिखो. जब तुम अपने हाथों से एक बार वो लिखोगे देखोगे तो तुम्हें और समझ में आएगा कि ओ ये चीज है. हम सिलेबस को देखने में बहुत गलतियां करते हैं, बहुत लाइटली लेते हैं बट जब उसको बहुत ढंग से समझेंगे ना और फिर जैसे ही वो टॉपिक खत्म हो उसे कट डाउन करो, कट करो, कट, वो सैटिस्फेक्शन, वो इतना मोटिवेशन मिलता है आगे बढ़ने के लिए.
विच इज़ वेरी अंडर रेटेड कि अपन इस चीज़ को नहीं ध्यान देते हैं, बट इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट. मेरे टाइम पे थ्योरी था बोर्ड्स पेपर एंड तुम लोग का आई गेस थोड़ा मिक्सचर है कुछ, आई एम सॉरी आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट, बट मेरा तो पूरा थ्योरी था. सो मेरे लिए थोड़ा सा मेरे को देखना पड़ा था कि यार अगर इस टाइप का क्वेश्चन मैंने थ्योरी में सॉल्व कर लिया, बट अगर मेरे पास एमसीक्यू में सेम क्वेश्चन आएगा तो मुझे कितने टाइम में करना है, किस प्रोसेस पे करना है, शुड आई गो फॉर द लॉन्ग प्रोसेस और शुड आई नो अ शॉर्ट रेट फॉर इट, तो ऐसे सब कुछ देखना पड़ेगा. एंड दिस इज आई एम टॉकिंग फॉर मैथ्स स्पेशली. एंड हाँ, सो अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नोट डाउन करो, इसे डिवाइड करो कि ओके अगर मेरे पास ये इंपॉर्टेंट है तो मुझे अब बाकी जो चीज़ें हैं उनको नहीं ध्यान देना, ये जो इंपॉर्टेंट वाले चैप्टर्स हैं ये ढंग से कर लूँ और इनको इतना अच्छा कर लूँ कि इनमें से मेरे नंबर नहीं जाए, ताकि अगर मैं मुझे छोड़ भी रहा हूँ उनका मुझे नुकसान नहीं हो. ये चीज़ इट हेल्प्स अ लॉट. मैंने कम टाइम में ज़्यादा सिलेबस करने का ऑप्शन मतलब ऐसे ही सर्वाइव कर पाते हो अगर आपको कम टाइम में ढंग से पढ़ना है, तो यही ऑप्शन और कोई ऑप्शन नहीं है. जस्ट नो योर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड उनको इतने अच्छे स्टडी कर लो कि यू डोंट इवन लूज मतलब 0.5 मार्क्स उससे नहीं कटना चाहिए. दैट्स इट. बट टिप नंबर 4 इज नो योर रिसोर्सेज. अच्छे से देखो, मैंने सब कुछ सेल्फ स्टडी किया था एंड आई टुक हेल्प फ्रॉम यूट्यूब. एक तो ना यार यूट्यूब पर बहुत कुछ है, मतलब ढूंढने को सब मिलेगा, हर एक सब्जेक्ट के बारे में हर एक क्वेश्चन मिलेगा, सोल्यूशन मिलेगा, टिप्स मिलेगी, सब कुछ मिलेगा. बट ये आपको खुद को चूज करना पड़ता है कि आप कौन सा रिसोर्स देख रहे हो एंड क्या वो ऑथेंटिक है, क्या वो आपको हेल्प कर रहा है क्या, या फिर वो आपको अपने डायरेक्शन से दूर लेके जा रहा है. बिकॉज जब बहुत सारी चीज़ें होती है तो ये चीज़ें भी होती है, आई मीन जब बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं तो गलतियां भी यहीं पे होती है कि हमें समझ नहीं आता कि हम कौन से किस इंसान को देख रहे हैं और हमें क्या बता रहे हैं, एंड ये चीज़ किसी और के वो हेल्प करे या मुझे भी हेल्प करेगी. सो ये जानना बहुत जरूरी है और ये आप तभी जान सकते हो जब आप यू नो कनेक्टेड रह रहे हो बहुत, आप बस CUT के बारे में ही सोच रहे हो, आप बस CUT के बारे में ही सर्च कर रहे हो और आप बस उसी के बारे में देख रहे हो. क्या होता है कभी कभी ऐसा होता है कि सपोज मैथ्स के लिए स्पेशली ये वाला चैनल चाहिए, इंग्लिश कोई और चैनल पर अच्छा पढ़ाया जा रहा है, लाइव क्लासेस चलती रहती है उनको ज्वाइन करो, बट आई गेस ना लाइव बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती है यार. मैं कभी लाइव नहीं करती थी, मैं लाइव खत्म होने के बाद करती थी और उसको 2x पे देखती थी, बिकॉज उसमें बीच बीच में वो बहुत कुछ ब्ला 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 भी बोलते हैं जो कि काम का नहीं होता है, तो वो टाइम वेस्ट होता है बहुत होता है. एंड इट डिपेंड्स लाइक आपकी स्पीड कैसी है, अगर आपको उसमें कंफर्टेबल लग रहा है देन गो फॉर इट. मेरे को लगता था तो आई यूज्ड टू गो इन 2x स्पीड ओनली. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द टिप नंबर 5 व्हिच इज, देखो अपने फ्री टाइम में तुम्हें क्या करना चाहिए. वैसे तुम्हें फ्री टाइम मिलेगा नहीं, एग्जाम से पहले नो फ्री टाइम, बट लाइक जब नहीं करने का हो रहा है एंड जब नहीं पढ़ पा रहे हो तो फर्स्ट ऑप्शन वो सो जाओ, बट अगर नहीं सोना है तो दूसरा ऑप्शन इज यूट्यूब पे जाओ, इंटरनेट खोलो, लिखो अपना कॉलेज का नाम, पढ़ो, सोचो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में. मैं अपने बारे में बता रही हूँ, तुम्हारा जो भी ड्रीम यूनिवर्सिटी यू कैन एडिट इट जो भी तुम्हें अच्छा लगे. मैं अपना बता रही हूँ, आई यूज टू ड्रीम अबाउट इट, आई यूज टू राइट अबाउट इट, आई यूज टू स्लीप विद इट, आई यूज टू मतलब मैं बस पूरा टाइम वही सोचती थी कि ओ वहाँ पे ऐसे फेस्ट होते हैं, ओ वहाँ की लाइफ ऐसी है, ओके वहाँ पे लड़कियाँ ऐसे ऐसे कपड़े पहनती है, ओके वहाँ पे ये सब भी होता है. मैं बस पूरे टाइम उन्हीं थॉट्स के साथ में जीती थी एंड वो ये मेरा इनर मोटिवेशन था कि परीक्षा बस मुझे यहाँ पे आना. एंड ट्रस्ट मी यार उस दिन बहुत अच्छा लगता है, इतनी हैप्पी वाइब्स, इतनी गुड वाइब्स आती है ना वो सब सोच के, वो सब देख के. लाइक मैं तो DU का हर कॉलेज देखती थी कि अच्छा इसकी हिस्ट्री क्या है, अच्छा ये कब बना, इससे कि पूरा पूरे टाइम आपके दिमाग में चलता रहेगा. और जब वो मूवमेंट आएगा ना, जब आपको लगेगा कि नहीं अभी आप नहीं पढ़ पा रहे हो, अभी आपसे नहीं होगा, तब वो चीज़ हिट करेगी, तब वो मैं जॉब करेगी यार अगर अभी नहीं करेगा तो फिर वो लाइफ कैसे जिएगी, कैसे होगा. एल्यूमिनाइज के बारे में देखती थी, वो टीना डाबी, रिया डाबी, उन लोगों के बारे में देखो, मतलब DU के कल्चर के बारे में देखो, आई यूज्ड टू फील लाइक वाओ नॉर्थ कैंपस रोमांटिसाइजिंग एंड ऑल्सो वो सब किया. एंड जब फिर मैं यहाँ पे आती हूँ एंड देन इतना हिट होता है, इतना नॉस्टैल्जिया मिलता है कि ओह आई यूज्ड टू ड्रीम अबाउट इट एंड नाउ आई एम लिविंग दिस ड्रीम. फील सो नाइस, आई फील सो ब्लेस्ड, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर इट एंड आई एम रियली हैप्पी टू कम हियर यार. I'm so glad you're watching the video till here. So that was it for the video and I really hope you liked it. And yeah, मुझसे ना कहा गया था कि यदि अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर करो, तो मैंने पूरा कोशिश किया कि एकदम मैं अपने रॉ एक्सपीरियंस से शेयर करूँ, जिसको टिप्स एंड ट्रिक्स भी कह सकते हो. एंड आई होप कि वो चीज़ यू नो कवर हुई है इस वीडियो के अंदर. मैं ना बहुत टाइम से वीडियो बनाने की कोशिश कर रही थी, बहुत टाइम से सोच रही थी, बट वो परफेक्ट वीडियो के चक्कर में मैंने कभी बनाया नहीं. एंड नाउ आई वॉज लाइक कि छोड़ो परफेक्ट कोई बात नहीं, बस शुरुआत करते हैं, बिकॉज शुरुआत नहीं होगी तो फिर वो आगे कभी बढ़ेगा नहीं. एंड आई एम सॉरी अगर कुछ ना कुछ मैंने इसमें यू नो अप टू द मार्क वीडियो नहीं है, नेक्स्ट टाइम के लिए आई विल मेक श्योर कि वो यू नो थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन मिले आपको. सर जो तुम्हें इस वीडियो में अच्छा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना, मेरे फर्स्ट यूट्यूब वीडियो ज़्यादा जज मत करना प्लीज़. एंड
हाँ तो मैं और कुछ क्वेरीज हैं और कुछ क्वेश्चंस हैं, फील फ्री टू आस्क देम, नीचे कमेंट्स में लिख दो, मैं पक्का से पक्का नेक्स्ट वीडियो में उनको आंसर करने की कोशिश करूंगी. अदरवाइज यू कैन टॉक टू मी ऑन इंस्टाग्राम, अगर आपको कुछ पूछना है सीयूटी से रिलेटेड, आपको क्वेरीज हैं कुछ, यू कैन डीएम मी देयर. सो दैट वाज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स, उनको भी बताओ ज्ञान बांटने से बढ़ता है.